हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, यानी कि 1896 से लेकर टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत का ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन रहा और किस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, इसके बारे में आज विशेष रूप से चर्चा होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह ऐसा वीडियो है कि एक ही वीडियो में आप 1896 से लेकर 2020 टोक्यो ओलंपिक तक भारत के सभी प्रदर्शनों को आसानी से याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हर बार पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन था। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ये आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि 776 ईसा पूर्व एथेंस के ओलंपिया नामक स्थान पर हर चार वर्ष में खेला जाता था, ठीक है। एंड जैसा कि 394 ईसा पूर्व में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला, ठीक है, 394 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, जैसा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, मतलब प्राचीन ओलंपिक खेलों के पतन के बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 में एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में बैरन पीएडी कुबर्टिन के द्वारा शुरू किया गया। इसीलिए बैरन पीएडी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। तो ये था प्राचीन ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक दोनों के बारे में कुछ शॉर्ट में बातें जो आप सबको पता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत ने 1896 से लेकर 2020 तक ओलंपिक में क्या प्रदर्शन किया है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला बात कि महिलाओं ने ओलंपिक में प्रतिभाग कब करना शुरू किया, यानी कि महिलाएं प्रथम बार ओलंपिक में प्रतिभाग कब करना शुरू की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को भाग लेना प्रतिबंध था, ठीक है, महिलाओं को भाग लेना प्रतिबंध था। जबकि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया 1900 पेरिस फ्रांस के ओलंपिक में, यानी दूसरे ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेल, उसमें महिलाएं शामिल नहीं की गई थी, पुरुष तो हमेशा से ही शामिल हैं, तो महिलाओं को शामिल किया गया 1900 पेरिस फ्रांस में टेनिस व गोल्फ खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत ने ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले नॉर्मन प्रिचार्ड जो है वो एंग्लो इंडियन नागरिक थे, जिन्होंने 200 मीटर दौड़ को 22.8 सेकेंड में एंड 200 मीटर बाधा दौड़ को 26 सेकेंड में तय करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ठीक है। ये नॉर्मन प्रिचार्ड जो है कोलकाता के रहने वाले थे और IFA यानी कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत ने कब ओलंपिक में प्रतिभाग किया, तो 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस ओलंपिक में। नेक्स्ट है कि भारत ने प्रथम बार अनधिकारिक तौर पर भाग कब लिया, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने प्रथम बार अनधिकारिक तौर पर भाग लिया, और सर दोराबजी टाटा व मुंबई के गवर्नर जॉर्ज लायट के सहयोग से
प्रथम बार भारत ने अनधिकारिक तौर पर 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया और इसमें 6 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 6 खिलाड़ियों में 4 धावक और 2 कुश्ती के खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत ने प्रथम बार अनधिकारिक तौर पर कब भाग लिया, तो 1920 ईस्वी में। उस समय कितने खिलाड़ी भाग लिए थे, तो 6 खिलाड़ी, जिसमें से 4 धावक 2 कुश्ती के खिलाड़ी थे। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर कब भाग लिया, तो भारत ने दूसरी बार, पहली बार तो 1920 में एंड दूसरी बार 1924 में भाग लिया पेरिस फ्रांस में, 1924 के पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर 1924 में पेरिस फ्रांस में भाग लिया, और इसमें 7 धावक यानी कुल 8 खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से 7 धावक और 1 टेनिस खिलाड़ी थे। ये भी सर दुराबजी टाटा और एस सी बक, जो शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं, के निर्देशक व आर्थिक सहायता से भाग लिया था। दोस्तों नेक्स्ट है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रथम बार कब भाग लिया, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भारत ने आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम भाग लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट से कि भारत ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1928 के एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। और इसी वर्ष, और इसमें भारत के 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 7 धावक और 14 हॉकी खिलाड़ी थे। और हॉकी, भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक में खेला था 1928 में, और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था जयपाल सिंह की कप्तानी में। और इसलिए इस ओलंपिक को भारत के लिए भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है, 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक को। तो भारत का गोल्डन ओलंपिक कौन है, 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक, और भारत ने प्रथम आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लिया 1928 में। तो यहाँ पे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया 1923 में, सर्वप्रथम भारत ने प्रतिभाग के ओलंपिक में, तो एंग्लो इंडियन नॉर्मल प्रिचार्ड 1900 में, प्रथम बार अनधिकारिक तौर पर 1920 में एंडोर्प में, दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर 1924 पेरिस फ्रांस में, एंड प्रथम बार आधिकारिक तौर पर तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है SVPM यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने मलखम्ब व अन्य शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किस ओलंपिक में किया, तो 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में। विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रथम बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज ओलंपिक में कब फहराया गया, तो 1948 लंदन ओलंपिक में। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि भारत ने 1896 से लेकर 2020 टोक्यो ओलंपिक तक कितने पदक जीते किस किस ओलंपिक में। तो सबसे पहला है कि भारत ने एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, यानी व्यक्तिगत स्पर्धा में, यानी इंडिविजुअल इवेंट्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में केडी जाधव जी कुश्ती में 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। जैसा कि आप सबको विदित है केडी जाधव जी का नाम, जो 1952 में फिनलैंड ओलंपिक में, हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव जी कुश्ती में 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीते थे 1952 में। और ये भारत के लिए किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में यानी कि इंडिविजुअल इवेंट में या एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त करने वाले हमारे हैं केडी जाधव जी, किस सन में, 1952 के हेलसिंकी फिनलैंड में। केडी जाधव जी का पूरा नाम था खासाबा दादा साहेब
जाधव। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम बार भारतीय महिला एथलीटों ने कब भाग लिया, तो 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में ही दो महिलाओं ने मेरी डिसूजा व नीलिमा घोष, मेरी डिसूजा 100-200 मीटर में प्रतिभाग की और नीलिमा घोष ओलंपिक मैदान पर उतरने वाली प्रथम महिला। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रथम बार भारतीय महिला एथलीटों ने कब भाग लिया, तो 1952 हेलसिंकी में कौन कौन भाग ली थी महिला एथलीटों ने, कि मेरी डिसूजा या नीलिमा घोष। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि कई बार पूछा जाता है कि भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली प्रथम महिला, तो यहाँ पे मेरी लीला राव का नाम आता है जो 1956 में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में 12.4 सेकेंड में क्वालिफाइंग रेस पूरी नहीं कर पाई थी और आगे की प्रतियोगिता से बाहर की गई थी। तो 1956 ओलंपिक में मेरी लीला राव जो है 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में 12.4 सेकेंड में क्वालिफाइंग रेस से पूरी न कर सकी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब भी ये पूछे कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली भारत की तरफ से प्रथम एथलीट कौन है, तो जब आपको मेरी डिसूजा रहे तो मेरी डिसूजा उस ऑप्शन में सही रहेगा, नीलिमा घोष रहे तो नीलिमा घोष सही रहेगा, एंड मेरी लीला राव रहे तो मेरी लीला राव सही रहेगा। यानी कि तीन महिलाओं को आपका नाम याद रखना है, मेरी डिसूजा, नीलिमा घोष एंड मेरी लीला राव। ये आपके ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिभाग करने वाली प्रथम एथलीट हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय धावक कौन है। दोस्तों प्रथम भारतीय धावक भी 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में ही प्रतिभाग किया था 200 मीटर में, लेवी पिंटो। ठीक है, प्रथम भारतीय धावक कौन है 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, लेवी पिंटो 200 मीटर में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, लेवी पिंटो प्रथम भारतीय धावक। एंड नेक्स्ट है कि मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह चौथा स्थान प्राप्त किए थे 400 मीटर दौड़ में, 400 मीटर दौड़ को 45.60 सेकेंड में तय करके इन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। इनसे पहले 400 मीटर रेस जार्ज रोडन जमैका के 44.9 सेकेंड में तय किया था। दोस्तों जैसा कि चौथा स्थान प्राप्त करने वाले यानी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले तीन एथलीटों का नाम लिया जाता है विशेष रूप से, जैसा कि आप सबको पता है मिल्खा सिंह, पीटी उषा और सुजान सिंह। तो दोस्तों मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक में चौथा स्थान 400 मीटर रेस को 45.60 सेकेंड में तय करके प्राप्त किया था। जैसा कि इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं, ये मिल्खा सिंह जो हैं वो 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। एंड राष्ट्रमंडल खेल में 1958 में ही राष्ट्रमंडल खेल में 440 यार्ड दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इस प्रकार अमेरिका ने इन्हें हेजर्ड अवार्ड से नवाजा, मिल्खा सिंह को किस अवार्ड से नवाजा, हेजर्ड अवार्ड से नवाजा। इनको फ्लाइंग सिख उपनाम से जाना जाता है जैसा कि आप सबको पता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुशील कुमार के कुश्ती के कोच कौन थे, सतपाल सिंह। तो सतपाल सिंह जो है 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में खेले थे। दोस्तों 1928 के बाद
भारत कोई पदक नहीं जीता, जैसे कि 1976, 84, 92 में कोई पदक हासिल नहीं कर सका। बट 1976 में श्रीराम सिंह ने 800 मीटर दौड़ में प्रतिभाग किया एंड 1976 के मॉन्ट्रियल कनाडा में इन्होंने प्रतिभाग किया और सातवां स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं पीटी उषा की। दोस्तों पीटी उषा जो है 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक यानी लॉस एंजेलिस अमेरिका ओलंपिक में चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया पीटी उषा जी ने, जैसा कि मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किए थे एंड पीटी उषा जी 1984 लॉस एंजेलिस अमेरिका में चौथा स्थान 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी। ठीक है, ये किससे संबंधित है? 400 मीटर बाधा दौड़ से, विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, 400 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 1992 बार्सिलोना स्पेन की ध्वजवाहक जो है शाइनी अब्राहम थी, यानी कि ये महिला थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1952 में बार्सिलोना स्पेन में शाइनी अब्राहम जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी, तो भारतीय दल की प्रथम महिला ध्वजवाहक ये बनी। तो भारतीय दल की प्रथम महिला ध्वजवाहक कौन है ओलंपिक में? तो शाइनी अब्राहम 1992 बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक में। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद 1996 में अटलांटा यूएसए में ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता। ठीक है, लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता ब्राजील के फर्नांडे को हराकर। दोस्तों टेनिस के क्षेत्र में लिएंडर पेस जी का नाम बहुत ही आदर्शवान है। इन्होंने ये पहले भारतीय व विश्व के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक विजेता। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? ऐसा कहते ही आपके मन में नाम आ गया होगा कर्णम मल्लेश्वरी जी का, जो भारोत्तोलन में भारत को कांस्य पदक दिलाई 2000 के सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में। 69 केजी भार वर्ग में इन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर भारत की तरफ से पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट है 2004 एथेंस यूनान के ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी में 25 मीटर डबल ट्रैम्प राइफल में। जैसा कि राजवर्धन सिंह राठौर का नाम आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये भारत के 2017 से लेकर 2019 तक भारत के खेल एवं युवा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, खेल एवं युवा मंत्री भी रहे हैं। तो राजवर्धन सिंह राठौर जो है निशानेबाजी में कोई पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, रजत पदक। ठीक है, 25 मीटर डबल ट्रैम्प राइफल में। एंड नेक्स्ट आता है आपका 2008 बीजिंग ओलंपिक जो चीन में हुआ था, बीजिंग चीन में। दोस्तों 2008 में भारत ने ओलंपिक में 3 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और प्लस 2 कांस्य पदक। 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभिनव बिंद्रा जी 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और किसी वैयक्तिक स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी। एंड 2 कांस्य पदक जीतने वाले आपके 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में 75 केजी भार वर्ग में। दोस्तों विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी की 75 केजी भार वर्ग में, यानी कोई पदक जीतने वाले, यानी मुक्केबाजी में भारत की तरफ से कोई पदक जीतने वाले
विजेंद्र सिंह जो है प्रथम व्यक्ति बने, यानी प्रथम मुक्केबाज बने। एंड नेक्स्ट कांस्य पदक जो है सुशील कुमार जी कुश्ती में 66 kg फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। यानी कि आपको याद होगा कि 56 वर्ष पहले भारत के किसी पहलवान ने 56 वर्ष पहले यानी कि 1952 हेलसिंकी में कांस्य पदक कुश्ती में किसने जीता था, तो केडी जाधव जी जीते थे। एंड दूसरी बार ये सुशील कुमार जीते 2008 में, यानी 56 वर्ष के बाद भारत के किसी पहलवान ने कुश्ती में पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। तो सुशील कुमार ने 66 kg भार वर्ग में 66 kg कुश्ती फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, ये कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हुए। प्रथम आपके थे 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव जी। ये आपके 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार कांस्य पदक जीते 66 kg भार वर्ग में। एंड नेक्स्ट है 2012 लंदन ओलंपिक। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें से 2 रजत पदक एंड 4 कांस्य पदक। तो इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता। तो 2 कुश्ती में जीता, 2 पदक कुश्ती में हासिल हुआ था 2012 लंदन ओलंपिक में। तो कुश्ती में 1 रजत पदक 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। 1 रजत पदक जीतने वाले सुशील कुमार थे 66 kg फ्री स्टाइल में। एंड 1 कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त थे 60 kg फ्री स्टाइल में कुश्ती में। नेक्स्ट है निशानेबाजी में 2 पदक जीते, निशानेबाजी में भी 2 पदक। दोस्तों जैसा कि इसमें कुश्ती में 2 पदक जीते हुए हैं, 1 रजत 1 कांस्य, 1 रजत सुशील कुमार। यानी कि कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने सुशील कुमार। इससे पहले आप जानते हैं कि 1952 में हेलसिंकी में कांस्य पदक केडी जाधव जी, और 2008 के बीजिंग चीन में सुशील कुमार ही कांस्य पदक जीते थे। एंड 2012 में इन्होंने रजत पदक सुशील कुमार जीते। तो ये रजत पदक जीतने वाले कुश्ती में पहले व्यक्ति बने सुशील कुमार जी। एंड कांस्य पदक 2012 में योगेश्वर दत्त जी 60 kg फ्री कुश्ती फ्री स्टाइल में जीते। एंड 2 पदक निशानेबाजी में 2012 में प्राप्त हुआ, इसमें से 1 रजत 1 कांस्य। तो 1 रजत निशानेबाजी में विजय कुमार जी प्राप्त किए, जिस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टो में। एंड 1 कांस्य पदक आपके प्राप्त किए गगन नारंग जी 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, इनका नाम विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, विजय कुमार रजत पदक 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टो में, एंड गगन नारंग कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल में, निशानेबाजी में दोनों हैं। ठीक, एंड दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जयदीप क्रमांकर जो है 50 मीटर एयर राइफल प्रोन में सिर्फ 1 अंक से कांस्य पदक से चुके थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती थी 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल। चीन के खिलाड़ी वेंग जिंग को महिला एकल में हराकर। एंड मुक्केबाजी में कांस्य पदक एमसी मैरी कॉम ने जीता था। अब बात करते हैं 2012 के लंदन ओलंपिक में, ओलंपिक में पहली भारतीय महिला पहलवान जो थी, जो ओलंपिक में 55 kg भार वर्ग में क्वालिफाई की थी, ठीक है, वो थी गीता फोगाट। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक 2016। दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में भारत का 67वां स्थान, यानी 67वां स्थान था। और 2016 में ओनली 2 पदक जीता था भारत ने, इसमें से 1 रजत और 1 कांस्य पदक। 1 रजत जैसा कि आप सबको मालूम है पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, वो भारत की प्रथम महिला रजत पदक विजेता बनी। एंड नेक्स्ट है कांस्य पदक, साक्षी मलिक जीती थी कुश्ती में 58 kg फ्री स्टाइल में। एंड ए प्रथम भारतीय रेसलर बनी, ठीक है, कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय रेसलर बनी साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर। दोस्तों दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा में 4थे स्थान पर रही, यानी कि जिम्नास्ट के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला दीपा कर्माकर बनी। दोस्तों ये क्वेश्चन
आपके 2021 के टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाली पहली जिम्नास्ट कौन है, यानी क्वालिफाई करने वाली पहली जिम्नास्ट कौन है, तो दीपा कर्माकर। एक क्वेश्चन आपका 2021 के टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ 2020 टोक्यो ओलंपिक के बारे में। दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये संपन्न होना था 2020 में, बट कोविड-19 के कारण ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 में हाल ही में संपन्न हुआ है, जैसा कि आप सबको विदित है। जैसा कि 2021 में यह संपन्न हुआ, इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, शुभंकर था मिराई तोवा, एंड इसके ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह में मेरी काम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग में बजरंग पुनिया कुश्ती खिलाड़ी ध्वजवाहक बने। जैसा कि दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां स्थान पर रहा और यूएसए यानी अमेरिका पहला प्रथम स्थान पर 113 पदक के साथ, एंड भारत 48वें स्थान पर 7 पदक के साथ। दोस्तों भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक प्राप्त किए हैं, यानी अब तक के ओलंपिक में सर्वाधिक पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्राप्त किया है। इसमें से 7 पदक में से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत एंड 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो 1 स्वर्ण पदक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका नाम सभी के जुबान पे है क्योंकि हाल ही में संपन्न हुआ है, तो नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक में यानी कि 87.58 मीटर थ्रो करके इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ओनली 23 वर्ष की अवस्था में ये पदक हासिल किए हैं, एंड ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये प्रथम भारतीय बने। ठीक है, ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बने, एंड इंडिविजुअल इवेंट में यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय कौन थे, आपको नाम याद आ गया होगा, 2008 में अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडल जीते थे 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में। ठीक है, एंड दोस्तों 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर में एंड रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं रजत पदक प्राप्त करने वाली मीराबाई चानू, ये मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं और 49 केजी भार वर्ग में 21 साल बाद, यानी कि 21 साल पहले का दौर आपको पता होगा कि 21 साल पहले 2000 के सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में करण मलेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, यानी भारत प्रथम इंडियन वुमेन मेडल प्राप्तकर्ता बनी करण मलेश्वरी, एंड ये दूसरी महिला है मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन में कोई पदक जीती हैं, यानी कि ये रजत पदक जीती हैं, यानी कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला मीराबाई चानू बनी, एंड भारोत्तोलन में कोई पदक जीतने वाली मीराबाई चानू दूसरी महिला बनी, पहली करण मलेश्वरी कांस्य पदक 2000 की सिडनी ओलंपिक में, एंड दूसरी मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू, जैसा कि रजत पदक प्राप्त की भारोत्तोलन में, ये मणिपुर की वेटलिफ्टर थी हैं और वेटलिफ्टर में गोल्ड मेडल 2020 में पाई हो जियो चीन की वेटलिफ्टर 210 केजी वेट उठाकर रजत गोल्ड मेडल प्राप्त की थी, एंड मीराबाई चानू ने 202 केजी वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया था। दोस्तों दूसरा रजत पदक प्राप्त की
किए 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया जी, जैसा कि 57 kg भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किए रवि कुमार दहिया, एंड 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार रजत पदक प्राप्त किए थे, जैसा कि आप सबको पता है। यानी ओलंपिक में पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया 5वें पहलवान बने। इनके पहले 4 पहलवान कौन कौन हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इनके पहले 4 पहलवान हैं, कीरी जाधव जी 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में 57 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और ओलंपिक में व्यक्तिगत इवेंट्स में प्रथम पदक कोई पदक लाने वाले पहले व्यक्ति कीरी जाधव जी बने थे। एंड फिर दूसरी बार दूसरे खिलाड़ी आपके सुशील कुमार 66 kg भार वर्ग में 2008 के बीजिंग चीन में, और 2008 के बीजिंग चीन में कांस्य पदक जीता था, एंड 2012 में लंदन में रजत पदक इन्होंने कुछ जीता था सुशील कुमार। यानी कि ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाले सुशील कुमार पहले व्यक्ति बने। एंड तीसरे हैं आपके योगेश्वर दत्त, 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। एंड चौथे खिलाड़ी साक्षी मलिक जी 2016 के रियो ओलंपिक में 58 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीती, एंड प्रथम महिला रेसलर बनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला रेसलर साक्षी मलिक बनी 2016 में। एंड रवि कुमार दहिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2020 में टोक्यो ओलंपिक 57 kg भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता। ये 5वें खिलाड़ी बने ओलंपिक में पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया। जैसा कि दोस्तों इसी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ही कांस्य पदक आपकी जीते हैं बजरंग पुनिया 65 kg में। यानी कि अब तक ओलंपिक में 6 पहलवान कोई ओलंपिक में पदक जीतने वाले बन चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 2020 में 4 कांस्य पदक भारत की तरफ से प्राप्त हुआ है। 4 कांस्य पदक किसने किसने प्राप्त किया है, जैसा कि लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में, एंड भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीती है। यानी कांस्य पदक लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में, भारतीय हॉकी टीम, इन चार ने ये 4 कांस्य पदक भारत को प्राप्त हुए हैं। तो लवलीना बोर्गोहेन जो है वो बॉक्सिंग में 69 kg वर्ग में कांस्य पदक जीती। यानी कांस्य पदक जीतने वाली ये तीसरी खिलाड़ी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले खिलाड़ी आपके कांस्य पदक जीतने वाले बॉक्सिंग में 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे विजेंद्र सिंह जी, एंड 2012 में कांस्य पदक जीती थी मैरी कॉम जी। ठीक है, प्रथम महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी आपके 2012 में ये बनी मैरी कॉम जी, एंड तीसरी बनी लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में 69 kg भार वर्ग में तीसरा कांस्य पदक। ठीक, नेक्स्ट है पीवी सिंधु जी जो है बैडमिंटन में इस बार कांस्य पदक जीती है, जैसा कि पिछली बार 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। यानी कि अब कहा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला डबल ओलंपिक, यानी 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी, पीवी सिंधु जी। जैसा कि एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि पुरुषों में ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाले आपके खिलाड़ी हैं सुशील कुमार जी, 2008 और 2012 में इन्होंने 8 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक जीत करके हासिल किया। एंड नेक्स्ट है आपके बजरंग पुनिया जी 65 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता कुश्ती में, एंड भारतीय हॉकी टीम जैसा कि आप सब जानते हैं कांस्य पदक जीता। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब वर्तमान समय में पुरुष हॉकी कप्तान जो है मनप्रीत सिंह हैं, और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल जी हैं, एंड पुरुष हॉकी कोच जो है ग्राहम रीड जी हैं, और महिला हॉकी कोच सेजोड मॉरिजन हैं। जैसा कि दोस्तों अब मैं अन्य छूटे हुए टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जैसे कि हॉकी के बारे में मैंने बात नहीं किया है अभी तक। तो दोस्तों हॉकी में, जैसा कि हॉकी में प्रथम बार प्रतिभाग 1928 के एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भारत ने किया था, और स्वर्ण पदक प्राप्त किया था जयपाल सिंह की कप्तानी में। ठीक है, 1928 के
एम्स्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में भाटिया की टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड दोस्तों, हॉकी के पदक तालिका में अब तक पहले आपके 2020 से पहले हॉकी में कुल 11 पदक प्राप्त हुआ था, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, बट 2020 टोक्यो ओलंपिक मिला करके अब हॉकी में कुल 12 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक। जैसा कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, इस प्रकार हॉकी के कुल 12 पदक हुए अब तक के ओलंपिक में, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कितने स्वर्ण पदक हुए हैं आप हॉकी में, 8 स्वर्ण पदक। तो देखते हैं, भारत ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 1928 में, वो भी हॉकी में। एंड हॉकी में लगातार 1928 से लेकर 1980 मास्को रूस ओलंपिक तक लगातार पदक प्राप्त किया, जिसमें से आपके 1960 के रोम में रजत पदक, 1958-1972 के ओलंपिक में कांस्य पदक, और सभी में स्वर्ण पदक इन्होंने 8 बार प्राप्त किया हॉकी में। तो दोस्तों, जैसा कि अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, तो 2020 से पहले 9 स्वर्ण पदक थे, 8 हॉकी में, 1 निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। एंड अब 2020 टोक्यो ओलंपिक मिलाकर कुल 10 स्वर्ण पदक ओलंपिक में प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 हॉकी में, 1 अभिनव बिंद्रा 2008 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में, एंड 1 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी प्राप्त किए हैं स्वर्ण पदक। तो कुल मिलाकर के 10 स्वर्ण पदक ओलंपिक में अब तक प्राप्त हुए हैं। एंड अब बात करें कि अब तक ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल कितने पदक हुए हैं, तो कुल 33 पदक प्राप्त किए हैं भारत ने ओलंपिक में अब तक में। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए कि हॉकी में कुल 11 पदक, 12 पदक प्राप्त किए, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य, एंड कुल स्वर्ण पदक अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते, 8 हॉकी में, 1 निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा, 1 2020 नीरज चोपड़ा, कुल मिलाकर के 10 स्वर्ण पदक अब तक ओलंपिक में भारत ने प्राप्त किया। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।